और चलते चलते हम जहाँ रुक गए हैं स्ट्रीट फूड जो गलियों में आपको खाने पीने के लिए मिलता है ना, तो लुधियाना के मेन होलसेल मार्केट में खड़े हैं जहाँ पर चावल बाजार बोलते हैं इसे। और चावल बाजार 1947 से पहले का बना हुआ, अंग्रेजों के वक्त भी जब बाजार था लेकिन उस समय चावल बिकते थे, लेकिन आजकल होजरी का माल बिकता है। और देखिए 50 साल से ये भी जहाँ पर अपना जो खाने पीने का इनका जो टिक्की है जो होशियारपुर की, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए आगे थोड़ा सा आ जा और देखिए जहाँ पर ये स्पेशल टिक्की है इनकी होशियारपुर वालों की। और इनका साइज देखिए कितना बड़ा है। और देख जो भी इनका साफ सफाई है, देखिए यहाँ पर जो कुछ ये बीच में खट्टा मीठा डालकर देते हैं या कोई वेजिटेबल जो है उन्होंने क्रॉस किया हुआ है वो देते हैं, आलू वगैरह डालते हैं। कितने साल हो गए थोड़ा की नाते हैं? बाबा होशियारपुर चाट भंडार जी। बाबा होशियारपुर चाट भंडार, हाँ जी जी। बड़ी होशियारपुर वालों की निशानी होते हैं बाबा बालकनाथ, वो देखिए सामने बाबा बालकनाथ जितने होशियारपुर वाले हैं उनके आपको फोटो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये होशियारपुरियों की निशानी थी, ये उनके यानी के बहुत ही इष्ट देवता हैं बाबा बालकनाथ। तो अपने थोड़ा डैडी ने कितना काम किया? हाँ जी ज्ञानचंद जी ने, ज्ञानचंद जी ने किया। कोली रोड की दुकान है जी, समोसा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समाधि मंदिर सामने। समाधि मंदिर है जो गवर्नमेंट कॉलेज रोड है, वहाँ पर इनकी दुकान, और सबसे पुरानी दुकान ये है जहाँ से वो फिर अपनी शिफ्ट करके एक दुकान इन्होंने ब्रांच और खोल दी है। और देखिए स्ट्रीट फूड है और खाने में बिल्कुल लाजवाब है, जब आप खाएंगे तो आपको पता लगेगा कितने टेस्ट आते हैं। और विवाह शादियों में भी ऑर्डर बुक करते हैं। हाँ जी हाँ जी, अच्छे लोग। हाँ जी हाँ जी, जैन बरादरी कम ज़्यादा ही अपने। हाँ जी हाँ जी, 70 रुपये की, 80 रुपये की। 70 और 80 रुपये की यानी कि ये है, क्योंकि इसमें अलग अलग इन्होंने जो डाले हुए हैं, टमाटर हो गया, चीज हो गया, आलू हो गया और मूली वगैरह जितने भी। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, खा के पता लगू भाई। कहते हैं खाने के बाद पता लगेगा, उनका भी खा कर आ जाओ, इधर भी खा लो आगे, चाहे जहाँ पर खा लो चाहे कॉलेज रोड पर खा लो, पता खाने के बाद ही लगेगा। और देखिए एक जरा बना के दिखा दो सानू, एक टिक्की लगाते हैं जहाँ पर आपको दिखाते हैं ये कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा हम दिखाई देते हैं आपको, क्योंकि पता चलेगा आपको। लगाइए आप, लगाइए थोड़ा सा। सर आपने कभी खाया टिक्की इधर? हाँ खाया है। 70-80 रुपये का? हाँ 70-80 रुपये का, बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ पेटी लाने वाले बंदे यहाँ, पेटी लाने वाले तुम? हाँ पेटी लगाते हैं जो आपके पास माल आता है होजरी का। हाँ तो ये भी कभी कभी खा लेते हैं जब मन करता है, लेकिन बड़े लोगों का काम है, लाला लोग ही खाते होंगे। हाँ जी हाँ जी, हम तो एक बार खा के सोच लेते हैं यार। और देखिए पेटी वाले बंदे पेटी ला रहे ना, यहाँ पर पेटी पहले करते हैं, पेटी का काम करते हैं। 100 रुपये लेते हैं पंजाब से है? पंजाब से है। हाँ पेटी का रेट 100 रुपये लेते हैं, पेटी लाते हैं, पेटी का रेट 100 रुपये लेंदे हैं। तो फिर जल्द टिक्की खाने को दिल करता था 80 रुपये इधर जाने के, ये कहते अभी खा लो आज टिक्की है, देखो ये टिक्की लगा रहे हैं। ये किसको खिलाएगा यार, वैसे लगा दो, खाएंगे नहीं हम। हाँ बस हम तो वैसे बनती देख रहे हैं। हाँ ना ये खाएगा, बस वैसे थोड़ा सा रहने दे, बस इतने डाल दे यार, बस वैसे हम दिखा रहे हैं। हाँ कोई ग्राहक आ जाएगा आपका तो उसको दिखा देना, जो हम सिर्फ दिखाते हैं कि लोगों को। तो इसमें ये क्या डाला हुआ बीच में? बादाम इसमें, मूली है, टमाटर है, चटनी में केले, आम पापड़। केले और आम पापड़ भी है चटनी में, स्पेशल आम पापड़ है। हाँ जी हाँ जी, आम पापड़ जी, आम पापड़ जी है ये, आम पापड़ बहुत जाने की आजकल। और देखिए सैंडविच भी है ये, क्या है ये? हॉट डॉग है, हॉट डॉग भी है देखिए जहाँ पे, स्पेशल ये सब क्वालिटी की टिक्की दे बैठा। हाँ जी हाँ जी, बाबा चारपुरी चाट भंडार जड़ा है वा, और नंबर ही दिखा दे यार इनका, देख नंबर दिखा दे यार, थोड़ा पीछे होकर दिखा दे यार। कहते हैं कि आप एक टिक्की खाओगे तो आपको पूरा पता लगेगा यार आनंद क्या होता है। लाइट आई नहीं अभी? हाँ वो देखिए लाइट भी आ गया, पूरी जाने की जगमग हो गई है देखिए। और अलग अलग मसाले हैं इनके पास, और उसके बाद चटनी भी है, आलू भी है, मैंने पहले ही बताया था हर चीज़ इनके पास। मैंने सोचा यार कुछ और नहीं तो आपको ये टिक्की वाली दिखा देते हैं, स्ट्रीट फूड बोलते हैं इंडिया में, और ये इंडियन डिश है। और देखिए ये दही वगैरह भी इनके पास, मलाई वगैरह इसमें डाली हुई है, काजू वगैरह सब बीच में डले होते हैं। देखिए होजरी का जाम भी दिखाते जा रहे थे, और देखिए ऐसे जाम भी लगा रहता है, जहाँ पर आम आदमी तो जहाँ पर घुसट ही नहीं सकता,
जाम बहुत होता है, लेकिन फिर भी जो दुकानदार हैं या जो लोग इनके शौकीन हैं खाने के, क्योंकि ये रहते तो सभी सिविल लाइन या बड़े बड़े एरिया में, लेकिन कारोबार जहाँ पर करते हैं आगे। और देखिए तुम लोगों को की कहना चाहते हो, देसी घ्यो की टिक्की वाले हो, बाबा हुशियारपुरी हो, मजा आप ही आओगे जी, एक बार खाओगे बार बार आओगे। कहते हैं एक बार खाओगे तो बार बार आएंगे, बार बार आओगे। चलो चलते हैं दोस्तों, अभी हमने दिखाया कि सबसे बड़ी टिक्की जो है लुधियाना शहर में देसी घी की, अगर आपका खाने का मन करता है, होजरी व्यापारी हैं आप लोग, चावल बाजार में हैं, दाल बाजार में हैं, चौड़ा बाजार में आए हैं, तो इधर होके जाएं यार, एक टिक्की खा कर जाएं, और अपने जो यूपी बिहार मध्य प्रदेश वालों को बताएं कि टिक्की जहाँ पर मिलती है हुशियारपुर बाबा वालों की। बस धन्यवाद सर, हम सिर्फ दिखाते हैं, खाते नहीं हैं। जय हिंद।